नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के इस YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक भारद्वाज। आज हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के ऊपर, नवंबर का महीना कैसा जाएगा आप सभी 12 राशियों के लिए। और देखिए, ये जो आपकी भविष्यवाणी आधारित होगी, ये होगी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले भविष्य में आपको जितनी भी वीडियोज़ आपको ज्योतिष से संबंधित अपलोड होंगी, उसकी जानकारी आपको मिल सके। अब बारी आ जाती है कन्या राशि की। देखिए, अगर कन्या राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस देखा जाए, तो देखिए बिजनेस के लिए तो ये समय ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है कि आप लोग अपने व्यापार में कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे नवंबर के महीने में। तो देखिए, एक ये है कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि रियल एस्टेट की लाइन में जाने के ज़्यादा आसार मेरे को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश भी बृहस्पति बन जाता है और वो आ जाएगा आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, जिस वजह से क्या है कि आप कहीं ना कहीं व्यापार जो आप करेंगे वो आप रियल एस्टेट लाइन में, और अगर देखिए आपको एक प्रॉफिट हो भी सकता है कि रियल एस्टेट लाइन में अगर आप जाते हैं। अब बात आ जाती है जो लोग कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए उनके लिए थोड़ा सा ये समय जो रहेगा संघर्षमय रहेगा, क्योंकि देखिए नौकरी और व्यापार में एक फर्क आ जाता है, क्योंकि व्यापार एक अलग चीज़ होगी जिसमें आप खुद ही मालिक है, लेकिन नौकरी में क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे सूर्य की जो स्थिति है वो आपके दूसरे भाव में आ जाएगी, साथ में मंगल भी जो है आपकी बाधाओं का कारक वहीं पर विराजमान होगा, जिस वजह से आपको जो है कि नौकरी को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। देखिए कन्या राशि वालों, जैसे मैंने आपको आपकी नौकरी के लिए बोला कि कहीं ना कहीं समस्याएं रहेंगी, लेकिन देखिए अगर आप सोच समझ के और धैर्य के साथ चलेंगे तो ये कोई मुसीबत इतनी भारी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे करके आराम से समय फिर आपका व्यतीत भी हो सकता है, बस अपने थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखिएगा। और ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको जो है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी नौकरी में आ जाएगी या आपको नौकरी छूट जाएगी, बस अपने गुस्से पर काबू रखिएगा तो आपके जो साथ कोलीग्स जो आपके काम करते हैं या आपके जो सीनियर लोग हैं वो आपसे इतना फिर नाराज नहीं। अब कन्या राशि बात आ जाती है आप लोगों की लव लाइफ की, कि अगर देखिए लव लाइफ का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव में बृहस्पति देव आ जाएंगे, जिस वजह से क्या है कि चौथा भाव देखिए मन का है, और मन ही अगर किसी के साथ नहीं लगेगा तो फिर वो लव लाइफ भी कैसी हुई। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि बृहस्पति देव आके वहाँ पे शुभता ज़रूर देने वाले हैं, रिलेशन में रहना चाहते हैं उनके साथ, जो आपके विचार काफ़ी मैच करने लग जाएंगे। और अगर देखिए पारिवारिक दृष्टि से भी देखा जाए, ये बृहस्पति आप लोगों के जो घर में कलेश चल रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि एक डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि बृहस्पति देव का ये गोचर बहुत ही शुभ साबित होगा, जो आपको मानसिक शांति कम से कम ज़रूर देगा ही देगा। अब बारी आ जाती कन्या राशि वालों आपकी हेल्थ की, अगर हम बात करते हैं देखिए स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा प्रभाव सूर्य देव के कारण ज़रूर पड़ेगा, लेकिन देखिए वो प्रभाव भी पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, वो एक हो सकता है कि एक होता है जैसे कहते हैं कि गले से संबंधित रोग। अब आप लोग जानते हैं कि वैसे भी थोड़ा देखिए मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है, तो गले से संबंधित रोग एक हो सकता है कि थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो थोड़ा सा खाने पीने का आप अपना ध्यान रखिएगा और एक स्टमक इन्फेक्शन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये अगर आप ध्यान से खाएंगे तो ये रोग का भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग कन्या राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। नवंबर का महीना देखिए आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दे देगा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, मतलब आप कोई एजुकेशन आगे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका समय नवंबर का जो है वो बहुत अच्छा साबित होगा। तो दर्शकों, अब तक आपने जो जाना नवंबर का अपना राशिफल, ये सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित था। अगर आप अपनी सटीक भविष्यवाणी अपनी जन्मपत्री के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमसे संपर्क करके अपनी सटीक भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं।